हमने बेसिकली स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करा है और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हमने डांस, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिकेट, बास्केटबॉल सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी हैं। जो उनको पसंद आए वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी होती है पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं उनके मेंटल ग्रोथ के लिए और उनकी खुशी के लिए। बच्चे बहुत शायद हो रहे हैं, बच्चों ने असं 2 घंटे का टाइम दिता, असं 10 to 12 का असं टाइम दिता, पर बच्चे इतों जाना ना नहीं लै रहे। उन्होंने इंजॉय है, उन्होंने गर्मी नहीं लग रही, कोई धुप नहीं लगती, उन्होंने एंड दे आके कही बेटा हूँ तक घर चले जाओ। सर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट योगा लिती सी, योगा के बहुत सारे बेनीफिट हैं, साडे चुस्ती फुर्ती आती है, साडा शरीर हिष्ट पुष्ट रहिंदा है, सानू भुख ज़्यादा लगती है, दिमाग तेज हुंदा है, साडे अंदर जे रोग पैदा हुंदे हन ते ओह जल्दी खत्म हो जाते हैं। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। सो दोस्तों जून का महीना चल रहा और पूरे लुधियाने दे विच इस समय जिहड़ा वा समर कैंप जिहड़ा वा हर जगह ते सैलीब्रेट किया जा रहा और बच्चों का महीना जिहड़ा वा फेवरेट मनिया जाता है, क्योंकि इस महीने के बच्चों जिते छुट्टी आती उत्थे बहुत सारे स्किल्स जड़े ने बच्चों नू हर जगह पर देखने मिलते हैं। तुसी अपने आस पास देख के आना कि अकैडमीज़ की स्कूल की प्लेवे हर जगह पर बच्चों इस टाइम समर कैंप लगाए जा रहे हैं और बच्चों उन्होंने जो चीज़ा सीखना चाहते हैं उनके अनुसार जरा वो चीज़ा सीखते पे ने। अच्छ अगर गल करिए अज की भी तो अच्छ बहुत ही प्यारे तरीके बच्चे स्पोर्ट्स वाले पास है जिते कि बास्केटबॉल की क्रिकेट और की योगा हर चीज़ वो सीख रहे हैं। तो साडे नाल गल गल मौजूद ने स्कूल के प्रिंसीपल सर, तो आओ गल करते हैं किस प्रकार का इहदा 10 दिनों का समर कैंप रहा जिसका अज ग्रैंड फिनाले है। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर। साडी मैनेजमेंट की सोच सी कि बच्चों नू बिजी किया जाए, बच्चों की बेहतरी लई इत्थे क्रिकेट खिलाई गई है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, योगा है, क्योंकि बच्चों नू मेन गेम नाल जोड़िया गया है। इस तो अलावा इंटरटेनमेंट लई बच्चों नू डांस सिखाया गया है, मेहंदी सिखाई गई है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो एक साडा जिहड़ा अजकल एक नवा ट्रेंड चलेगा तुम चंगी तरह जानते हो कि स्पीकिंग कोर्स इंग्लिश का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान है कि जिहड़े बच्चों नू इंग्लिश बोलनी नहीं आती वह अपने आप को अनपढ़ महसूस करता है। असीं इस चीज़ को मुख रखते हुए एक इतने स्पीकिंग कोर्स का भी आयोजन किया है। अच्छा, बच्चों कितना उत्साह देखा जा रहा है समर कैंप लैके? बच्चे बहुत उत्साहित हुए हैं, बच्चों ने असीं 2 घंटे का टाइम दिता, असीं 10 to 12 का असीं टाइम दिता, पर बच्चे इतों जाने का नाम नहीं लै रहे। उन्होंने इंजॉय है, उन्होंने गर्मी नहीं लग रही, कोई धुप नहीं लगती, उन्होंने एंड दे आके कही बेटा हूँ तक घर चले जाओ, पर वो कहते सर 2 मिनट सानू होर दिओ, 2 मिनट होर दिओ, दो मिनट करते करते सानू इत्थे 12:01 आराम नाल बज जांदा, बच्चा फुल इंजॉय कर रहे हैं। पेरेंट्स को की मैसेज देना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहना कि स्कूल एक उपराला कर रहा है बच्चों को बिजी करने वास्ते और तुसी भी साडा पूरा सहयोग दिओ तां जो जिहड़े थोड़े बच्चे ने नशियां वाल ना वधन और एक प्रोफेशन के तौर पर इत्थे जिवें मैं दी सिख रही है बच्चे घर जाके तो अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक इहो जिहे प्रोफेशन ने जिवें मेहंदी हो गया, डांस हो गया, योगा हो गया, स्पीकिंग कोर्स होगी और यह एक अज के दौर दे विच बहुत जरूरी हो चुका है। ये तुसीं सीखने के नाल नाल दूजों को सिखा के तो अर्निंग भी कर सकते हो। पेरेंट्स नूं मेरा यही मैसेज है कि अपने बच्चों वध तों वध अजिहे जिहड़े साडे वल्लों इवेंट कराए गए इन्हां विच वध तों वध पार्टिसिपेट करवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ਕਿੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮਰ ਕੈਂਪ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਇਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਸਿਖਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਵਾਇਆ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਪ ਖਾਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਸਮਰ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਸਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਮੈਮ ਸਿਖਾਇਆ ਡ੍ਰਿਬਲਿੰਗ, ਗੋਲ ਪਾਣੇ, ਆਲ ਇਨ ਸਭ। ਕਿੰਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 10-12 ਤੋਂ ਗੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
बहुत कुछ सीख लिया है, ड्रीबलिंग वगैरह गोल वगैरह करने सारे सीख ले है। सर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट योगा लीती सी, योगा के बहुत सारे बेनीफिट हैं, साढ़े चुस्ती फुलती आती है, साडा शरीर इष्ट पुष्ट रहा है, सू भुख ज़्यादा लगती है, दिमाग तेज हों, साडे अंदर जो रोग पैदा होते हैं तो वह जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैं 10 days आया तो मेरा 2 kg वेट घट गया, तो मेरी हाइट भी वधी है 1 inch तो। घर दे खुश ने? हाँ जी सर। मुंडा वड्डा हो गया? हाँ जी सर। अज ग्रैंड फिनाले समर कैंप का 10th दिन है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, किस थीम के उपर है पूरा समर कैंप? हमने बेसिकली स्पोर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करा है और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए हमने डांस, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिकेट, बास्केटबॉल सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दिए हैं, जो उनको पसंद आए वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हो जून जुलाई छुट्टियों का वो होता है टाइम, तो बच्चे ऐसी इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जगह हमने सोचा कि कोई नई स्किल सीख लेंगे, उनका टाइम भी अच्छे से पास हो जाएगा और उनके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नई स्किल्स आएंगी उनको आगे जॉब्स के लिए। कभी कोई मेहंदी आर्टिस्ट बन सकता है, किसी को अगर पेंटिंग आर्ट एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी है तो वो कर सकता है, कोई डांस की अपनी स्किल्स बढ़ा सकता है। तो हमने बेसिकली इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करा है एज अ बोर्ड एंड एज अ फुल कम्युनिटी ऑफ दिस स्कूल। इस समय आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमने ये आपके मज़े और कॉन्सेंट्रेशन और स्किल्स बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज करा था, तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा और अगले साल हम चाहेंगे कि और बच्चे आगे आएँ और पेरेंट्स और मौका दें बच्चों को इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी होती है पर ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं उनके मेंटल ग्रोथ के लिए और उनकी खुशी के लिए। सो दोस्तों देखिए बच्चों ने इस समर कैंप के विच कितनी ज़्यादा मस्ती और इंजॉय किया। सो असं आस करते कि तुहानूं साडा प्रोग्राम बहुत ही वधिया लग्या होना, लुधियाने दे पेज लाइक करो, सबसक्राइब करो और प्रोग्राम वधिया लगे सो प्लीज़ शेयर जरूर करो। सो कैमरा परसन मनोज दे नाल हरदीप दुआ नूं दिओ इजाजत, धन्नवाद और जुड़े रहो लुधियाना लाइव दे नाल।